अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग टूल्स और ये आपका बीएड का कोर्स कोड 8601 और उसका लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेशन आर आफ्टर स्टडिंग द मटेरियल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टीचिंग टूल्स। You will be able to identify the audio visual materials. You will be able to discuss kinds of audio visual aids. You will be able to pinpoint the preparation for audio visual activities. You will be able to evaluate the planning to use the material. Overview of the unit. Teaching tools are teaching aids that classroom teachers employ to help their students लर्न क्विकली एंड थॉरली। टीचिंग टूल्स उन चीज़ों को कहा जाता है, उन तदरीसी मुआवनात को कहा जाता है जो कि टीचर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके तलबा जो पढ़ाया जा रहा है उसको जल्दी और क्लियरली सीख सकें। अ टीचिंग टूल कैन बी एज सिंपल एज अ चॉक बोर्ड और अ कम्प्लेक्स एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। टीचिंग टूल कोई भी हो सकता है, अगर सादा तरीन अल्फाज में देखें तो एक चॉक और ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है और अगर कम्प्लेक्स या पेचीदा मिसाल लें तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सूरत में भी हो सकता है। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल लर्न्स इन अ डिफरेंट वे, टीचर रिलाय ऑन दीज टूल्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स विद अ वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग नीड्स। Teaching tools are crucial for educator as they are key in differentiating instructions for all types of learners, as well as know that today's age is the age of science and technology. The teaching learning program have also been affected by it. The process of teaching learning depends upon the different types of teaching tools available in the classroom. जैसा कि आप जानते हैं आजकल टीचिंग इतनी आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास ये दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचिंग में भी उसी तरह से हो रहा है जिस तरह के बाकी कामों में हो रहा है। तो टीचिंग प्रोग्राम्स को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए टीचर को तमाम तरह के टीचिंग टूल से अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए, उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एक्टिविटीज करवानी है और किन टूल्स का इस्तेमाल कब करना है ये हम आज के यूनिट में देखें। द टीचिंग टूल्स। टीचिंग टूल्स डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी हियर टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। टीचिंग टूल उस तसव्वुर को वाज़े करते हैं जब भी तलबा किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं या फिर सूंघते हैं, यानी उनकी फाइव सेंसेस को वो सेटिस्फाई करते हैं टीचिंग टूल्स। टीचिंग टूल्स प्रोवाइड कम्प्लेक्स एग्जाम्पल फॉर कंसेप्चुअल थिंकिंग। जब भी कोई कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है बच्चों का तो तब टीचिंग टूल्स एक मिसाल के तौर पर मदद देते हैं हमें। द टीचिंग टूल्स क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। जब हम कोई एवी एड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का जिनको हम टीचिंग टूल भी कहते हैं, वो तलबा में दिलचस्पी को उभारते हैं टुवर्ड्स लर्निंग। टीचिंग टूल्स हेल्प टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स और टीचिंग टूल तलबा की वोकैबुलरी में इजाफे के लिए मदद कर। टीचिंग टूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज टीचिंग एड्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टीचिंग टूल्स को हम एवी एड्स को टीचिंग टूल्स भी कह सकते। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग टूल्स। टीचिंग एड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स आर एज फॉलोज। नंबर वन, मोटिवेशन। अगर बच्चों के अंदर जब उनके सामने कुछ चीज़ें रखी होती हैं जो डिस्प्ले की होती हैं टीचिंग टूल्स के तौर पर, तो वो बच्चों को मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स लर्निंग और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि आज पता नहीं इन चीज़ों के साथ टीचर हमें क्या करवाने वाले हैं। तो
क्लेरिफिकेशन टीचिंग टूल्स की मदद से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, बहुत सारी चीजों के तसव्वुरात को वाजे करते हैं, तो ये हमें बच्चों के इमेजिनेशन को क्लियर करने में भी हेल्पफुल होते हैं टीचिंग टूल्स। डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग, रट्टाबाजी को ये डिस्करेज करते हैं टीचिंग टूल्स, क्योंकि ये बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और उन्हें चीजें याद रखने की बजाय अंडरस्टैंड हो जाती हैं। इंक्रीजिंग द वोकैबुलरी, बच्चे जब मुख्तलिफ चीजों नई चीजों के बारे में सीखते हैं तो उन चीजों के नाम टीचिंग एड्स के हेल्प से सीख लेते हैं, इस तरह से उनकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होता है। नंबर 5 पर है सेव टाइम एंड मनी। अगर हम कहें कि कोई बात बच्चों को सुनाते हैं तो वो भूल जाते हैं, जब हम उनको बोल के बताते हैं तो उन्हें कुछ अरसा याद रहती है, लेकिन जब वो किसी चीज को देखते हैं। सेव टाइम एंड मनी, पैसे और वक्त की बचत होती है जब हम किसी भी चीज को दिखाकर बच्चों को मुश्किल तसव्वुरात जिनके बारे में हम घंटों लेक्चर दें, उस वक्त की बचत होती है और उन्हें एक चीज दिखाकर, एक तस्वीर दिखाकर हम वो बात अपनी या पॉइंट जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई विजुअल दिखाते हैं उनको किसी भी इवेंट के हवाले से या कोई भी किसी जगह को बताने के हवाले से, तो वो बहुत बेहतर होता है बनिस्पत इसके कि हम बहुत देर तक उस विजुअल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सप्लेन करते रहें। तो इसी तरह से वक्त की भी बचत होती है, उस जगह पर हम ले जाकर भी बच्चों को नहीं दिखा सकते तो पैसे की भी बचत होती है और इसी तरह से टाइम की भी बचत होती है। क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव, जब एवी एड्स के इस्तेमाल से टीचर पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में सारे बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इस तरह से क्लासरूम का माहौल लाइवली होता है और एक्टिव होता है। अवॉइड्स डलनेस, बच्चों में जो सुस्ती और लेजीनेस है और जो वो गैर दिलचस्पी पढ़ाई की निस्बत पढ़ाई की तरफ, तो वो कम हो जाती है और बच्चे एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, बच्चों की 5 सेंसेस में से 4, 3 और 5 तक भी समटाइम्स यूज हो रही होती हैं एवी एड्स के इस्तेमाल से, तो मैक्सिमम सेंसेस का इस्तेमाल होता है एवी एड के थ्रू। नंबर 9 पर है सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स, जो कोशिश हम कर रहे होते हैं बहुत देर तक बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के हवाले से, वो हम किसी भी एवी एड की मदद से कम वक्त में और कम कोशिश से अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। फिक्सिंग एंड रिकॉलिंग द नॉलेज, जो भी बच्चों के पास पहले से मालूमात होती हैं उसको हम रिकॉल करवाने के लिए भी कोई एक तस्वीर दिखा सकते हैं किसी ऐसे इवेंट की जो कुछ अर्सा पहले स्कूल में हुआ हो और हम उससे रिलेटेड कोई बात करने वाले हों, तो हम उनको रिकॉल कराने के लिए कोई एक तस्वीर दिखा सकते हैं जिसकी मदद से हमें बहुत सारा टाइम बच जाएगा और हम उस अपने मकसद में जल्द कामयाब होंगे। डिवेलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डिवेलप होता है कि वो चीज़ों को देखकर, छूकर, एक्सपेरिमेंट करके तभी उन बातों को सीखते हैं और उन पर यकीन करते हैं, बनिस्बत इसके कि उनको कोई ख्याली स्टोरियाँ, आज कल आप उनको ख्याली कोई स्टोरी सुना दें, परियों की कहानी सुना दें तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। नंबर 12 पर है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जब हम एवी एड्स की मदद से उनको दुनिया भर की चीज़ें दिखा सकते हैं, विजुअल की मदद से ऑडियो सुनवा सकते हैं, तस्वीर दिखवा सकते हैं, तो फिर उनके अंदर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की जो डेवलपमेंट है वो बेहतर होती है, तेज होती है। इनकरेजिंग एक्टिविटीज के हवाले से, जब हम एवी एड्स को इस्तेमाल करवाते हुए कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं तो बच्चे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने को खुशी से पसंद करते हैं, उसमें शिरकत करना, और इस तरह से उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में भी इनकरेज करती हैं एवी एड्स। इंक्रीज वोकैबुलरी ऑफ पीपल, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग टूल्स, कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास, 3 to 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास विजुअल एड्स, जो दिखती हैं, विजुअल से मुराद दिखाई देने वाली चीज, तो दिखाई देने वाली चीज में हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। द एड्स विच यूज सेंस ऑफ विजन्स आर कॉल्ड विजुअल एड्स, ऐसी चीजें जो सेंस ऑफ विजन के इस्तेमाल में लाने के लिए
हम इस्तेमाल करते हैं उस सेंस पे को सेटिस्फाई करने के लिए, वो विजुअल एड्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, कुछ खास चीजें जो असल में हम दिखाते हैं, मॉडल्स की सूरत में दिखाते हैं, पिक्चर्स की सूरत में दिखाते हैं, चार्ट्स पर दिखाते हैं, मैप्स दिखाते हैं, फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं, फ्लैनल बोर्ड पर दिखाते हैं, बुलेटिन बोर्ड पर दिखाते हैं, हमें कोई नोटिस लगे हुए, चाक बोर्ड्स हैं हमारे पास, ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं, स्लाइड्स हैं, और आउट ऑफ दीज ब्लैक बोर्ड एंड चाक बोर्ड आर आल्सो कॉमन सेट वन। ये भी एक ऐसी आम चीज है ब्लैक बोर्ड और चाक बोर्ड, जो के विजुअल एड्स में ही आता है। नंबर टू पर है ऑडियो एड्स, ऑडियो रिलेटेड, जो के हम सेंस ऑफ हेयरिंग को इस्तेमाल करते हुए जो चीजें हम दिखा बच्चों को सुनाते हैं, फॉर एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और इस तरह की दूसरी चीजें। हम बच्चों को पोइम सुनाते हैं छोटे बच्चों को क्लासेस में, तो हम उनकी ऑडियो डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन अगरचे आजकल वो इस कदर वीडियोस भी उनके इफेक्टिव हैं कि वो ऑडियो और विजुअल सेम टाइम पर यूज हो रही होती हैं। ऑडियो विजुअल एड्स तीसरी हमारे पास टाइप है, द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हेयरिंग आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्टिक्स। ऐसा कोई क्लिप जिसमें आप ऑडियो और वीडियो दोनों दिखा रहे हैं, तो वो ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स हमारे पास फोर्थ टाइप है, सिंस द डॉन ऑफ द टेक्नोलॉजी एज कंप्यूटर हैव प्रूव टू बी द मोस्ट मल्टीफेसेटेड टीचिंग टूल अवेलेबल विद टेक्नोलॉजी लाइक डिजिटल वीडियो प्रेजेंटर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू जैसे आपको लेक्चर दे रही हूँ मैं, इसी तरह से ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड यानी कंप्यूटर का भी हम कह सकते हैं कि एक अलहदा से टाइप है टीचिंग टूल के हवाले से, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। यहाँ पर सिलेक्टिंग द ऑडियो विजुअल मटेरियल, हम कैसे अंदाजा करें कि कौन सा मटेरियल किस वक्त इस्तेमाल किया जाए और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद लर्निंग, जो भी पढ़ा रहे हैं आप उनका ताल्लुक और रिलेशन बनाती हों वो ऑडियो विजुअल एड जो कि आपने सिलेक्ट की हैं उस अपने लर्निंग प्रोसेस। नंबर टू पर है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की जो आप जिन बच्चों को आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज कराने लगे हैं या दिखाने लगे हैं उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है और उनकी जहानत का लेवल चेक करना बहुत जरूरी है और उनका जो एज अ स्टूडेंट उनका एक्सपीरियंसेस हैं उनके मुताबिक। अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप उनको टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई वीडियो नहीं दिखा सकते हैं जो कि आप नर्सरी या प्ले ग्रुप के बच्चों को। इसी तरह प्ले ग्रुप के बच्चों को अगर आप पोइम्स की, छोटे बच्चों के किड्स चैनल्स की कोई वीडियोस दिखाते हैं तो वो आप सिक्स क्लास के बच्चों को दिखाकर कुछ नहीं सिखा सकते नया। नंबर थ्री शुड बी सूटिंग द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप, जिस स्टूडेंट के ग्रुप को आप दिखा रहे हैं वो जिस ग्रेड से ताल्लुक रखता है उनकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट जिस स्टेज पर है, वो जो जहां वो ये सारी चीजें अपनी डेवलप कर रहे हैं, अपनी साइकोलॉजी को, अपने जिस्मानी सेहत को, जहां अपनी जहानत को, जहां अपने सोशल रिलेशनशिप को, वहां उस स्टेज के मुताबिक वो सूट करती हो वो एविएट जो आपने उनकी स्टडी के लिए इस्तेमाल करनी है। नंबर फोर पर है लैंग्वेज शुड बी फेमिलियर एंड अंडरस्टैंडेबल, आप कोई ऐसी तस्वीर ना दिखा दें जिसका कैप्शन किसी और लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल चाइनीज में लिखा हुआ, तो बच्चों के लिए वो फेमिलियर लैंग्वेज नहीं है। इस तरह की तस्वीरें और इस तरह का मटेरियल उनके साथ इस्तेमाल करें जो उनके लिए फेमिलियर लैंग्वेज में लिखा। नंबर फाइव पर है शुड बी एक्यूरेट, ट्रूथफुल एंड रियलिस्टिक, जो भी चीज आप दिखाने या सुनाने वाले हैं वो उस आपके टॉपिक से, आपके यूनिट के ऑब्जेक्टिव से, अपने आपके लेसन के आउटपुट से
एक्यूरेटली मिलती जुलती हो, उसको सपोर्ट करती हो, ताकि आप वो सारी जो अचीवमेंट्स हैं स्टूडेंट्स की उनको रियलिस्टिक वे में कंप्लीट कर सकें। नंबर सिक्स पर है, इट शुड बी मोटिवेशनल एंड हाईली इंफॉर्मेटिव। ऐसी चीज उनको दिखाएं जो बच्चों को ना सिर्फ मोटिवेट करे बल्कि आला दर्जे की मालूमात देने वाली भी हो। शुड बी अवेलेबल इन द नीड। जब आप सोचें कि मैं फलां चीज अब इनको दिखाने वाला हूँ चैप्टर के या दिखाने वाली हूँ यूनिट के फलां पॉइंट को क्लियर करने के हवाले से, तो तब वो चीज आपके पास अवेलेबल भी हो। आप अगर कल को आपने सोचा है कि आप इनको माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो आप उनको माउंट एवरेस्ट रिलेटेड कोई वीडियो क्लिप आपके पास अवेलेबल भी हो। आप सिर्फ ये नहीं कि आप कहें कि मैं आपको कल जो पढ़ाऊंगा ना या पढ़ाऊंगी उससे मैंने रिलेटेड माउंट एवरेस्ट की आपको वीडियो दिखानी है और फिर वो आपको कहीं से मिले भी ना। लेकिन आजकल ऐसा दौर नहीं है, ये मैंने एक एग्जाम्पलरी आपको मिसाल के तौर पर ही कहा है कि ऐसी कोई चीज दिखाने का या सुनाने का या वादा या कोशिश भी ना करें जो आपके पास अवेलेबल नहीं। प्रिपेयरिंग फॉर द ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज। द की टू प्रिपेयरिंग इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड्स इज टू रिमेम्बर दैट दे आर ओनली एड्स। द रोल इज टू एड अ विजुअल डायमेंशन टू द पॉइंट्स दैट यू मेड ओरली। दे कैन नॉट मेड मेक दोज पॉइंट्स फॉर यू, दे कैन ओनली री इन्फोर्स देम। ऑडियो विजुअल एड्स का किरदार एक बेजान चीजें हैं। उनका क्या किरदार है, वो पढ़ी पढ़ी तो नहीं बोल सकती कि हमारे अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, हमारे अंदर ये फवाइद हैं या हमारे अंदर ये इंफॉर्मेशन है। तो टीचर ने ही उसमें जान डालनी है, उन चीजों को एलेबोरेट करके, उन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके, और वो पॉइंट्स जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं वो पॉइंट्स आपने ही एक्सप्लेन करने हैं। सिर्फ चीजें सामने नहीं रख देनी कि ये देखें जी ये है फलां चीज का पौधा और इस पौधे में एक जड़ होती है, एक तना होता है और एक पत्ते होते हैं, और बच्चों को आपने वो चीज अलग अलग दिखाई ही नहीं है। तो ये चीजें बोलकर नहीं बताएंगी कि हम ये चीज है, ये टीचर को ही करना होगा। वी कैन यूज देम टू समराइज और शो द सीक्वेंस ऑफ कॉन्टेंट। हम उन चीजों को सिर्फ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपनी बताई हुई बात को समराइज करने के लिए या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन का जो सीक्वेंस है उसको बरकरार रखने के लिए कि हम नेक्स्ट किसी कॉन्सेप्ट की तरफ जाने वाले हैं, तो पिछले कॉन्सेप्ट को समराइज और क्लियर करने के हवाले से कोई पिक्चर या कोई एड हम इस्तेमाल कर। वी कैन यूज देम टू विजुअली इंटरप्रेट स्टैटिस्टिक्स बाय प्रिपेयरिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स दैट इलस्ट्रेट व्हाट यू विल से। हम कोई भी ऐसी चीज की वजाहत के लिए जो कोई शुमारियाती डाटा है, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं, कोई चार्ट है, कोई ग्राफ है जिसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो हम चार्ट और ग्राफ दिखाने के बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन हम खुद देंगे, हम ही उसकी वजाहत करेंगे बीइंग टीचर और हम ही उसको बयान करेंगे। वो चार्ट और ग्राफ यूजलेस होंगे अगर आपको उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता होगा। वी कैन यूज देम टू इलस्ट्रेट एंड री इन्फोर्स योर सपोर्ट स्टेटमेंट। जो भी हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान की आबादी पिछले 10 साल में इतनी बड़ी है, तो हर हर साल का अगर हमारे पास ग्राफ है और हम स्टूडेंट्स को दिखाकर उनको बता रहे हैं और हम उनको ये भी ना बता पाए कि ये आज से 10 साल पीछे का जो ग्राफ है वो ये शो करा रहा है और उससे अगला 9 साल पीछे का जो ग्राफ है वो ये शो करा रहा है, हम उसका एक्सप्लेन अगर नहीं कर पाते तो फिर वो ग्राफ दिखाना फजूल है। हाँ, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पिछले 10 साल में आबादी बढ़ी है, तो हमारी स्टेटमेंट को उसकी री इन्फोर्समेंट के लिए हम वो ग्राफ्स दिखा सकते हैं बच्चों को, इस तरह से वो हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। वी कैन यूज देम टू एड विजुअल क्लैरिटी टू योर कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। हम इन चीजों को अपने जो हम कॉन्सेप्ट्स उनको पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि पहाड़ी दरिया इस तरह से होते हैं पहाड़ों में, जैसे दोनों साइडों से उनके पहाड़ होते हैं और दरमियान में दरिया बह रहे होते हैं, अगर हम ये ऐसे बच्चों को बता रहे हैं जो कभी पहाड़ी इलाके में नहीं गए हैं, तो हमारे बयान को क्लियर करने के लिए उस विजुअलाइजेशन को जो हम उनको पेश कर रहे हैं
उसको क्लैरिटी देने के लिए हम उनको एक वीडियो क्लिप या कोई तस्वीर दिखा सकते हैं दरिया की, जिसमें दोनों जानब पहाड़ हों और दरमियान में दरिया बह रहा हो। तो इस तरह से हमारी ही बयान की हुई चीजों को सपोर्ट करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, ना कि वो खुद हमारी टीचिंग की जगह ले सकते हैं। नंबर 5 पर है, वी कैन यूज देम टू फोकस द अटेंशन ऑफ द टारगेट ग्रुप ऑन की पॉइंट्स। हम इन ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम बच्चों को उनकी अटेंशन को फोकस रख सकते हैं। हम उनको अगर हम कुछ चार्ट्स या छोटे पेपर पीस ऑफ चार्ट्स बोर्ड पर अलग अलग लगा देते हैं और हम पॉइंटर से बार बार उधर इंडिकेटर देकर उस उधर टच करके हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बच्चों की अटेंशन उन की पॉइंट्स पर रहेगी, उन बातों पर रहेगी जो हम उन्हें बता रहे हैं, और उनके की पॉइंट्स के तौर पर हमने वो तस्वीरें या चार्ट्स लगाए हुए हैं जिनकी तरफ हम बार बार इशारा करें, जिसकी वजह से बच्चे टोटली उनकी अटेंशन फोकस रहेगी टूवर्ड्स देयर लेक्चर। 6 पॉइंट है हमारे पास, वी शुड नॉट प्रोजेक्ट कॉपीज ऑफ प्रिंटेड और रिटन टेक्स्ट। हम रिटन टेक्स्ट की या प्रोजेक्ट जो कोई भी प्रोजेक्टर है उस पर हम रिटन टेस्ट को कॉपी करके नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जैसे हम ये पोर्टल का यूज करें या हम चैनल का यूज करें, तो वहां पर हम आपको टेक्स्ट दिखा सकते हैं क्योंकि आप एक बड़ी क्लास हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाने जा रहे हैं, जिस लेवल के बच्चों को, उनके लिए ये मुनासिब नहीं है कि आप उनके सामने टेक्स्ट को प्रोजेक्टर पर या टीवी पर या कहीं कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाते रहें। इसकी बजाय समराइज द इंफॉर्मेशन एंड शो ओनली द की पॉइंट्स ऑन द विजुअल एड्स। अगर आप किसी बोर्ड पर या कहीं किसी मल्टीमीडिया पर या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर उनको दिखाना भी है, तो आपने सिर्फ की पॉइंट्स दिखाने हैं और बाकी बातचीत आपने खुद उसकी एक्सप्लेन और वजाहत करनी है, ताकि बच्चे जो हैं वो टोटली वो लिखी हुई इबारत में ना खो जाएं और अपने तौर पर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहें जहन में, और आपकी बात को फोकस ना करें। इसीलिए आपने सिर्फ की पॉइंट लिखने हैं ताकि वो आपकी बात को भी सुने और वो पॉइंट्स जो आप समझा रहे हैं वो क्लियरली उनके माइंड में बैठे। यहाँ पर भी किसी हद तक मैं यहाँ पॉइंट्स लिखती हूँ, बाकी उसकी एक्सप्लेन जो उसको करना होता है वो मैं यहाँ नहीं लिख के बैठी हूँ, जाहिर है मैं खुद बोल रही हूँ। इफ द ग्रुप मस्ट रीड एवरी वर्ड, यूज हैंड आउट्स फॉर रीडिंग आइदर बिफोर और आफ्टर योर प्रेजेंटेशन। जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी ऐसी क्लास को, मिसाल 9th-10th क्लास है, जरा बड़ी क्लास है, तो आप उनको पहले सारी चीजें ओरली बताएं, फिर आप उनको हैंड आउट की सूरत में यानी की पॉइंट्स की सूरत में या वजाहत की सूरत में आप उनका जो आपके सेंटेंसेस प्रिंट हुए हैं, कोई फोटो कॉपी है, तो वो आप उनको बाद में या लेक्चर से पहले दे दें, लेकिन उनको उसको की पॉइंट्स के साथ उनकी वजाहत करते जाएं उनको स्क्रीन पर जहां भी आप हैं। नंबर 7 पर है, डू नॉट पुट योर सेल्फ इन द रोल ऑफ एडिंग योर विजुअल्स। अ प्रेजेंटेशन इज प्राइमरली एन ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इफ योर ओनली फंक्शन इज टू रीड द इंफॉर्मेशन ऑन योर ओवरहेड और स्लाइड्स, द टारगेट ग्रुप विल बिकम इजीली बोर्ड। आप अपने आप अपना किरदार उस विजुअल से हटा नहीं सकते, इस तरह से कि आपने उस चीज को एक्सप्लेन करना है, आपने जस्ट उनके सामने एक रिटन मटेरियल रख के उसको रीड नहीं करते रहना है, आपने उसको उसकी समरी भी बच्चों को देनी है, आपने उसकी वजाहती बयान भी उस बच्चों को देना है, आपने उसका उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, और सिर्फ आप स्लाइड्स और जो रीडिंग मटेरियल है उसको पढ़ते रहे तो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। नंबर 8 पर है, डू नॉट यूज कॉपीज ऑफ योर ट्रांसपेरेंसीज एज हैंड आउट, दे री इन्फोर्स व्हाट यू आर सेइंग। अपनी जो आप अपने हाथ में रख के हैंड आउट जो आप यूज कर रहे हैं कॉपी, वो आपने बच्चों को नहीं देनी, क्योंकि सेम आप बोल रहे हो और सेम ही उनके पास रिटन है, तो फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ाई की तरफ। आप उनको अगर की पॉइंट्स दे दें और खुद एक्सप्लेन कर रहे हो जो कि आपके नोट्स में भी आपके पास ज्यादा वजाहत से लिखा हो,
तो आपने वो वाली चीज स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करनी। दे डोंट से इफ इट फॉर यू, दे रीइन्फोर्स व्हाट यू आर सेइंग, दे डोंट से इफ यू इट फॉर यू। आप उनको मजबूर मत करें कि वो रीडिंग करते जाएं, वो इस तरह से रीड करेंगे तो एक्सप्लेन तो फिर भी वो नहीं कर पाते। इफ यू वांट योर टारगेट ग्रुप टू रिमेंबर व्हाट यू मीन, यू विल नीड टू प्रोवाइड रिटन टेक्स्ट इन एडिशन टू एनी की पॉइंट्स, समरीज और चार्ट्स दैट यू नीड फॉर योर ट्रांसपेरेंसीज। आपके पास जो मटेरियल है आप उसको अपने हद तक रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास, आपका टारगेट ग्रुप आपके साथ रहे, आपकी बात को सुनता रहे, तो आप उनको की पॉइंट्स लिखे हुए दे दें, पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। नंबर 9 पर है, डोंट यूज चार्ट्स, ग्राफ्स और टेबल्स दैट कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन देन यू वांट टू प्रोवाइड। कोई भी ऐसा चार्ट, ग्राफ या टेबल इस्तेमाल ना करें जिस पर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद हो जितनी आप बच्चों को नहीं देने वाले। जितनी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है उतनी लेवल तक का चार्ट या ग्राफ बच्चों को शो करवाएं, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाला चार्ट या ग्राफ शो कराने से अवॉइड करें। द ग्रुप विल हैव डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक। अगर उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाला चार्ट सामने होगा और आप उनको उससे कम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वो बच्चों को फोकस करने में डिफिकल्टी होगी, कि वो उससे आगे भी सोचते रहेंगे कि इतना टीचर ने बताया, इससे अगला जो है वो फिर क्या होगा। तो वो उस बारे में भी सवालात कर सकते हैं जिसके लिए आप तैयार ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन की गई है ऑडियो विजुअल एड्स की। नंबर 1 है प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स आर दोज विच रिक्वायर्स प्रोजेक्शन मटेरियल और एनी इलेक्ट्रिक पावर। ऐसे एविएड्स जिनके लिए आपको प्रोजेक्टर की जरूरत है, या किसी भी प्रोजेक्शन मटेरियल की जरूरत है, या फिर आपको बिजली की जरूरत है जिसमें, वो प्रोजेक्टेड एड्स कहलाते हैं। और नंबर 2 पर है हमारे पास नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स आर दोज विच रिक्वायर्स नो प्रोजेक्शन मटेरियल और एनी इलेक्ट्रिक पावर। ऐसे एविएड्स जिनके लिए हमें बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, जिनके लिए हमें कोई प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, ऐसे एविएड्स को नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं हमारे पास व्हाइट बोर्ड। अब आप लोग बताते जाएंगे कि ये कौन सा है, नॉन प्रोजेक्टेड है या प्रोजेक्टेड है। व्हाइट बोर्ड और मार्कर, ये आपके सामने एक तस्वीर है इस बारे में। ये किस चीज को कहते हैं? एक चमकीली सतह का व्हाइट कलर का एक बोर्ड होता है जो क्लासेस में लगा होता है, और जिस पर आप मुख्तलिफ कलर्स के मार्कर्स को इस्तेमाल करते हुए लिख लेते हैं और फिर उनको बवक्त जरूरत रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह के जो बोर्ड्स हैं उनके कई फायदे हैं। एक फायदा यह है कि आपको टीचर को उसमें लिखने में बहुत फ्लुएंसी होती है, रवानी होती है, और तेजी से वो बहुत सारा कुछ लिख सकता है एज कम्पेयर टू ब्लैक बोर्ड और चाक बोर्ड। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के इस्तेमाल करते हुए उसको रेज करते वक्त आपको चाक का जो एक खाका और डस्ट पड़ती थी आपकी सांसों में और आंखों में, उससे भी आप महफूज रहते हैं व्हाइट बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा व्हाइट बोर्ड को आप एज अ प्रोजेक्टर स्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब या एज अ मल्टी मीडिया स्क्रीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप दीवार पर बच्चों को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कोई वीडियो क्लिप चलाना चाह रहे हैं, तो आप प्रोजेक्टर के का जो मिरर है उसको सामने फोकस कर लें व्हाइट बोर्ड पर, तो आप उसको एज अ स्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर आप डिफरेंट कलर्स के जब मार्कर इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों की अट्रैक्शन और बच्चों का फोकस ज्यादा होता है, और इस तरह से जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। डिसएडवांटेजेस में एक चीज है कि अगर आपने कहीं गलती से भी इस पर परमानेंट मार्कर यूज कर लिया तो फिर आप उसका बोर्ड को रेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी नुकीली सतह वाला, कोई नुकीली नोक वाला अगर आप कोई पेन या मार्कर इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी सतह खराब हो जाएगी,
मार्कर की बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अगर आप मार्कर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मार्कर की इंक जल्दी से खुश्क हो जाती है, अगरचे वो दोबारा फिल करवाई जा सकती है, लेकिन अगर हम उसकी कैप को भी ज्यादा देर तक खुला रखें तो वो भी ड्राई जल्द हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको डिसएडवांटेजेस में लेते हैं। तो ये था हमारा व्हाइट बोर्ड। अब हम देखते हैं चार्ट्स, पोस्टर्स, मैप्स, ग्राफ्स एंड मॉडल्स, और ये सब नॉन प्रोजेक्टेड एवियड्स हैं। चार्ट्स के हवाले से पहले देख लेते हैं। अ चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्टोरियल, ग्राफ, न्यूमेरिकल और वर्टिकल मटेरियल्स विच प्रेजेंट्स अ क्लियर विजुअल समरी। एडगर डेल डिफाइंस चार्ट्स एज अ विजुअल सिंबल। एक विजुअल सिंबल के तौर पर एडगर डेल ने इसको डिफाइन किया है। और चार्ट कॉम्बिनेशन होता है जिस पर हम तस्वीर भी दिखा सकते हैं, ग्राफ्स भी दिखा सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं तो वो भी करवा सकते हैं, कुछ भी हम जो चाहें हम इस चार्ट पर खुद ड्रा करके या कोई तस्वीर चिपका कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समराइजिंग और कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग और परफॉर्मिंग अदर हेल्पफुल सर्विसेज इन एक्सप्लेनिंग सब्जेक्ट मैटर, द मेन फंक्शन ऑफ द चार्ट इज ऑलवेज टू शो रिलेशनशिप सच एज कंपेरिजन, रिलेटिव अमाउंट, डिवेलपमेंट प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। चार्ट पर आप हमेशा कंपेरिजन दिखा सकते हैं दो चीजों का, आप किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन शो करा सकते हैं किसी तस्वीर के थ्रू, किसी आप क्वेश्चन का फॉर्मूला उस पर लिख कर शो करवा सकते हैं, और जो आपका दिल करे वो आप उस पर तस्वीर जो है उसको पेस्ट करके बच्चों के साथ उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप। चार्ट्स के हम अब खूबियां देखने वाले हैं कि इसमें क्या, इसके इस्तेमाल में क्या क्या हमें, इसकी कौन कौन सी खूबियां जो इसको एक अहम विजुअल एड में शामिल कर रही हैं। नंबर वन, स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड। चार्ट्स एक ऐसी चीज है जिनको हम एक दफा से ज्यादा दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम लिखने के बाद और इस्तेमाल करने के बाद स्टोर कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, और दोबारा किसी और टॉपिक में या फिर अगली क्लास में उसी टॉपिक के के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए हमने बनाया था। एजुकेशनल वैल्यू है इसकी, ये बहुत एक अरसे से इस्तेमाल होने वाला और बहुत इजी और एक सस्ता एवीएड है जिसको कि हर क्लास में इस्तेमाल करना बहुत आसान है हर लेवल पर, तो इसकी एजुकेशनल वैल्यू बहुत हाई है। टीचर मेड होता है, टीचर खुद इसको बनाते हैं या फिर आजकल तो बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन ये भी एक इसकी खूबी है कि टीचर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्ट्स को तैयार करते हैं। एनी साइज, किसी भी साइज का हम बना सकते हैं चार्ट। इसमें एक जो इसका एक फिक्स साइज है या एक कहते हैं कि स्टैंडर्ड साइज है, उसको हम कट करके चार चार टुकड़ों में, दो दो टुकड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चार्ट्स पर हमेशा हम मखसूस मालूमात देते हैं और की पॉइंट्स देते हैं जिनकी वजह से चार्ट्स काफी मुफीद होते हैं। इजी टू कैरी, चार्ट्स को उठाकर ले जाना भी आसान है, और ये ऐसा मॉडल की तरह इसको संभाल कर नहीं ले जाना पड़ता कि ये इधर से टूट जाए उधर से टूट जाए, चार्ट्स को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं चार्ट्स की। पिक्चर चार्ट्स होते हैं जिन पर आप तस्वीरें दिखा सकते हैं, टाइम चार्ट्स होते हैं, आप मुख्तलिफ चार्ट्स पर भी आप टाइम टेबल बना सकते हैं, इसके अलावा आप टाइम जोन के हवाले से चार्ट्स पर दिखा सकते हैं, इनको हम टाइम चार्ट्स कहेंगे। इसके अलावा टेबल चार्ट्स होते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ ग्राफ्स दिखा सकते हैं, टेबल्स दिखा सकते हैं, और ग्राफिक चार्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा फ्लो और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होते हैं जिसमें आप कुछ भी इंफॉर्मेशन का फ्लो दिखा सकते हैं या कोई इंफॉर्मेशन की ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ट्री चार्ट्स होते हैं, इसके अलावा पाई चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स की अभी बातचीत जारी है, यूज ऑफ चार्ट्स के हवाले से देख लेते हैं। मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स, इनका इस्तेमाल बच्चों को मोटिवेट करता है क्योंकि वो कुछ नई चीज का तवक्को कर रहे होते हैं, हर दिन उनको एक नई चीज चाहिए होती है, नया इंटरेस्ट
का तरीका चाहिए होता है जो उनको बच्चों को इंटरेस्ट दिलाए उस पढ़ाई की जानिब जिस पर बच्चों को पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से भेजते हैं. शूज इट शोज कॉन्टिन्यूटी इन द प्रोसेस. चार्ट शोज कॉन्टिन्यूटी इन द प्रोसेस. चार्ट जो है वो जो भी प्रोसेस टीचिंग का चल रहा है उसकी रवानी को बरकरार रखते हैं, उसकी कनेक्टिविटी को बरकरार रखते हैं और उसके तसलसल को बरकरार रखते हैं. चार्ट शोज रिलेशनशिप बाय मीन ऑफ फैक्ट्स फिगर्स एंड स्टेटिस्टिक्स. बहुत सारे जो हकायक हैं जो आदाद शुमार हैं उनके रिलेशनशिप को इन्हें उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए भी चार्ट्स अहम किरदार अदा करते हैं. उसके अलावा प्रेजेंटेशन मैटर सिंबोलिकली. जब हम प्रेजेंटेशन के दौरान भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हम इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं और जिनको हम काफी देर तक क्लास में शो कराना चाह रहे हैं तो हम चार्ट्स की सूरत में लगा लेते हैं क्लास में. प्रेजेंट्स ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन विजुअल फॉर्म. ऐसे आइडियाज जो ख्याली हैं जिनके बारे में जैसे हम कहें कि कोई समंदर के अंदर नीचे तह में इस तरह के पौधे होते हैं. अब कोई जाकर देखे तो वो और बात है, हम उनकी तस्वीर को यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, बना के दिखा सकते हैं. उसके अलावा कुछ ऐसे ख्यालात ख्याली अशिया या ख्याली किरदार जैसे अली बाबा 40 चोर इस तरह की मतलब स्टोरीज के हवाले से भी हम उनको ड्रा करके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को भी शो करा सकते हैं जो कि इमेजिनेटरी कैरेक्टर्स होते हैं. समराइज इंफॉर्मेशन मालूमात जो भी फ्राहम की गई जो भी लेक्चर था उसको समराइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. उसको इसके की पॉइंट्स को हम एंड पर दोबारा से अहम जो नुकात हैं उनको बयान कर सकते हैं. इट शोज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर. जो भी स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है उसकी डेवलपमेंट को शो कराते हैं. क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड स्टिमुलेट थिंकिंग. जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं थिंकिंग प्रोसेस के दौरान उनको ये क्लियर करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको मुतहरक करते हैं. लिमिटेशन देख लेते हैं चार्ट्स के इस्तेमाल की. कुछ लिमिटेशंस भी हैं. मटेरियल फॉर प्रिपरेशन द चार्ट्स. बहुत मुश्किल होता है कि हमें चार्ट्स को अपने लेसन की रिक्वायरमेंट्स के टाइम के तरीके से के मुताबिक बनाना होता है तो हमें उसके लिए मुख्तलिफ मटेरियल ढूंढने पड़ते हैं जो हम उस चार्ट के ऊपर लगाएं या उसको बनाएं. टाइम टेकिंग है टू प्रिपेयर. टीचर के लिए काफी वक्त लगता है कि वो इसको तैयार करे, डेकोरेट करे और एक्सप्लेन करने के लिए चीजें लगाए इस पर. चार्ट्स ओनली एम्फसाइज द की पॉइंट्स. चार्ट्स तो सिर्फ की पॉइंट्स ही दिखा सकते हैं, पूरा लेक्चर तो नहीं. जाहिर है टीचर का किरदार अपनी जगह पर है, चार्ट तो एक एविएट है खाली. चार्ट्स लूज देयर चार्म्स. चार्ट्स रोज अगर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे इनका जो इनका चार्म है अट्रैक्टिवनेस है उसको खो देंगे. आपको कभी कभार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, हर लेक्चर में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. पुअर सिलेक्शन ऑफ कलर स्कीम. अगर हम कर लें, हम अच्छे कलर्स नहीं लगाएंगे तो भी बच्चे उस चार्ट को और उन उस सारे जो आपका एविएड है उससे वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, उससे वो उनकी लर्निंग इफेक्ट नहीं होगी. अब हम देख रहे हैं कि पोस्टर्स एक दूसरी टाइप के एविएड्स जो कि नॉन प्रोजेक्टर एविएड में शुमार होता है पोस्टर्स. अ पोस्टर इज अ पिक्टोरियल डिवाइस डिजाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड कम्युनिकेट अ स्टोरी अ फैक्ट एन आइडिया और एन इमेज रैपिडली एंड क्लियरली. गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक अ पोस्टर इज अ प्लेस कार्ड. अ पोस्टर इज अ प्ले कार्ड usually pictorial or decorative, utilizing an emotional appeal to convey a message aimed at reinforcing an attitude or urging a course of action. Poster एक ऐसी चीज है जो कि एक pictorial view है, यानी कोई तस्वीर है जिस पर आप कोई भी तस्वीर दिखा सकते हैं, एक कार्ड की सूरत में होता है, या कोई एक्शन दिखा सकते हैं, कोई इमेज दिखा सकते हैं, कोई फैक्ट दिखा सकते हैं, कोई आइडिया दिखा सकते हैं. अगर हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो वहां पर ऑडियंस ने जो शायकीन मैच के लिए वहां बैठे होते थे तो उन्होंने छोटे छोटे कार्ड्स उठाए होते हैं जिन पर 6-6 या 4 लिखा होता है जिससे वो
अपने टीम से, अपने खिलाड़ियों से सिक्सर और फोर चौके की डिमांड कर रहे होते हैं। तो इस तरह के कुछ ना कुछ एक आइडिया होता है उन पर लिखा हुआ पोस्टर्स पर, या कोई पैगाम हो सकता है या कोई तस्वीर हो सकती है। यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ जो पोस्टर्स हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर पेस्ट की हुई है, ताकि आप लोग इसका अंदाजा लगा सकें कि डेस्क पोस्चर के हवाले से बात की गई है। इट इज अ सिटिंग पोस्चर ड्यूरिंग हैंड राइटिंग, लेट्स सिटिंग इन राइट वे। पोस्चर यानी बॉडी पोस्चर की बात हो रही है, लेकिन पोस्टर पर दिखाई गई है कि किस तरह का कौन सा पोस्चर आप यूज करें। जब आप लिखने के लिए बैठे हों तो चेयर पर आपका बैठने का जो पोस्चर है वो क्या होना चाहिए, उसको शो कराने के लिए, उस इमेज को शो कराने के लिए ड्रा किया गया एक सिंपली कार्ड पर, तो ये आपके सामने पोस्टर बन गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैप्स के हवाले से कि मैप्स क्या होते हैं जब हम टीचिंग एड के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मैप्स कॉन्स्टिट्यूट एन इनडिसिप्लिनेबल एड इन टीचिंग मैनी सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज। द लर्निंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स बिकम अनरियल, इनएडिक्यूएट एंड इनकम्प्लीट विदाउट मैप मीडिया। A resourceful teacher will turn the fear of map into the genuine love by motivating the students. बच्चों में मैप्स के हवाले से, मैप रीडिंग के हवाले से कुछ खौफ पाए जाते हैं, कुछ उनको मुश्किल लगता है। तो अगर टीचर को सही से मैप एक्सप्लेन करना आता हो और मैप के थ्रू पढ़ाना आता हो तो बच्चों के अंदर बजाय खौफ के मैप के हवाले से लव और प्यार और एक इंटरेस्ट डिवेलप हो जाएगा उनके अंदर, जिसकी वजह से यही है कि टीचर को खुद मैप अच्छे से रीड करना आता हो और एक्सप्लेन करना आता हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्राफ्स। ग्राफ्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फ्लैट पिक्चर्स विच एम्प्लाई डॉट्स, लाइंस और पिक्चर्स टू विजुअलाइज न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा टू शो स्टैटिस्टिक्स और रिलेशनशिप। ग्राफ्स आर बाय नेचर अ समराइजिंग डिवाइस, इफेक्टिव टूल्स फॉर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ग्राफ्स के थ्रू हम मुख्तलिफ डॉट्स, लाइंस और पिक्चर्स के जरिए हम ग्राफ में शो करा सकते हैं मुख्तलिफ कंपैरिजन को, कुछ शुमारियाती डाटे को, और फिर उन डाटा का आपस में ताल्लुक, और इस तरह से हम इनको हम जो ग्राफ्स हैं वो यूजुअली समराइजिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां हम पूरी किसी चीज को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी पिक्चर समरी पेश करनी होती है तो हम उसको ग्राफ की सूरत में दिखाते हैं। ग्राफ्स इज डिफाइंड एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अगर हम न्यूमेरिकल डाटा की कोई तस्वीर दिखा सकते हैं तो वो ग्राफ ही है जो उसका जरिया, जिसके जरिए हम किसी न्यूमेरिकल डाटा को एक तस्वीर की सूरत में पेश कर सकते हैं। ग्राफ इज फंडामेंटली अ टूल फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर रिलेशनशिप विच इज मस्ट इजियर टू विजुअलाइज देन कैन बी डन इफ द स्टेटमेंट वर मेड ओनली इन वर्ड्स एंड फिगर्स। अगर कोई बयान, कोई कंटेंट, कोई लेक्चर आपका जो कि बेस है, जिसमें फिगर्स आपने बताने हैं, फैक्ट्स बताने हैं, जो आपने अल्फाज में बताने हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने का बेहतरीन जरिया ग्राफ होगा, जो कि पिक्टोरियल व्यू होगा उस डाटा का जो आप पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडल्स, और ये टीचिंग मॉडल्स की बात हो रही है, कोई फिल्म और टीवी के मॉडल्स की बात नहीं हो रही। मॉडल्स के हवाले से हम देख लेते हैं। मॉडल्स कैन बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन द केस ऑफ बिल्डिंग एंड अदर फिक्सिंग स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विच कैन बी असेंबल्ड एंड टेकन टू पीसेस इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। हम यहाँ पर एक राइट हैंड पर जो पिक्चर्स हैं दो, उनके नीचे वाली जो तस्वीर है उसमें हम देख रहे हैं एक बच्ची ने हार्ट का, एक ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन है दिल, उसका मॉडल उठाया हुआ है। अभी आपको मैं इसकी डिटेल पिक्चर भी दिखाती हूँ। अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो मुख्तलिफ जो शक्लें हैं, क्यूब टाइप और ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल और उन सब के जो हैं वो
मॉडल्स बने हुए छोटे छोटे, वो दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से बन सकते हैं, लकड़ी से भी, प्लास्टिक से भी, और सेम इससे ऊपर की अगर हम पिक्चर पर जाएं तो मिट्टी के थ्रू और चौक या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मटेरियल होता है उसके, उसको गूंद के और गीला करके और उसकी मदद से कुछ शेप्स बनाई जा रही हैं, कुछ मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, जो कि हम अपर पिक्चर के राइट हैंड वाली जो पिक्चर है उसमें भी हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कार्ड्स और गत्ते वगैरह इस्तेमाल करते हुए मॉडल्स बना रहे हैं बच्चे। तो इन चीज़ों को मॉडल करते हैं कहते हैं जो हम टीचिंग के वक्त एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। नाउ वी आर शोइंग यू अ मॉडल ऑफ हार्ट, जो कि मुख्तलिफ उन्होंने कपड़े की चीज़ें काट कर और उनकी शेप्स बनाकर बीच में कुछ प्लास्टिक के पाइप यूज़ किए हैं और इस तरह से मुख्तलिफ वेन्स और जो दिल के पार्ट्स हैं उनको दिखाने के लिए मुख्तलिफ कलर्स यूज़ किए गए हैं और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर कपड़े का बनाया गया है और इनको वो अलग भी कर सकते हैं बवक्त ज़रूरत बच्चों को समझाने के लिए और इनको कंबाइन भी किया जा सकता है दोबारा से। तो इस तरह के मॉडल्स होते हैं जो कि पेचीदा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के हवाले से बहुत हेल्पफुल होते हैं टीचर के लिए कि वो इनको यूज़ करें अपनी टीचिंग के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स एक सबसे बेहतरीन मॉडल है, ऐसा मॉडल जो कि लाजमी हिस्सा है हमारी स्टडी का। टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर कैलकुलेटेड टू मेक प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इजियर। टीचर कैन रीड अ टेक्स्ट बुक टू कन्फर्म और एक्सपेंड देयर पर्सनल नॉलेज और एंड और असाइन रीडिंग्स फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स टू कम्प्लीट। टीचर टेक्स्ट बुक की हेल्प से अपना जो मटीरियल है, जो कॉन्टेंट है, उसको डिलीवर करता है या करती है और खुद मजीद बुक्स की मदद से, बुक रीडिंग की मदद से अपने नॉलेज को इन्हेंस भी कर सकते हैं, टीचर एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ना सिर्फ खुद अपने नॉलेज को बल्कि टीचर स्टूडेंट्स को भी असाइन कर सकते हैं कि वो फला बुक रीड करके आए, पढ़ के आए, हम उसमें से आपकी असेसमेंट करेंगे, या फिर उनको कोई असाइनमेंट ऐसी दी जाती है जिसके लिए कुछ बुक्स रिकमेंड की जाती हैं कि आप उन बुक्स की मदद से अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें। तो इससे भी बच्चों को बुक रीडिंग की तरफ उनका जो रुझान है वो डेवलप। नेक्स्ट हमारे पास है हैंडआउट्स। हैंडआउट्स आर समटाइम्स यूज्ड एज विजुअल एड्स। हैंडआउट्स भी किसी वक्त हम इसको विजुअल एड में लेते हैं। दिस इज अ मिस्टेक, अवॉइड हैंडआउट्स ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन इफ एट ऑल पॉसिबल। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन के दौरान बच्चों को हैंड आउट देंगे जो कि खुद आपके पास भी है तो सेम हैंड आउट देना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। यू द प्रेजेंटर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू फोकस ऑन एंड हैंड आउट्स आर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम यू। अगर आप बच्चों को उस दौरान हैंड आउट दे देंगे तो बच्चे आपकी तरफ, जो प्रेजेंटर है जो कि मेन जिस पर फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स का, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी तवज्जो हट जाएगी और वो लिखे हुए जो मटेरियल है जो आपने उनको दिया उसको, उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट और उनकी तवज्जो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन पेश कर चुके हैं तो उसके बाद आप हैंडआउट्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। अब आ जाते हैं प्रोजेक्टर्स की तरफ। प्रोजेक्टर हमारे पास एक प्रोजेक्टर बेस्ड वीएड का एक पार्ट है, एक हिस्सा है और प्रोजेक्टर की तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑडियो विजुअल एड में हमारे पास प्रोजेक्टर की क्या डिटेल है। प्रोजेक्टेड एड्स वर मीन दोज एड्स वेयर अ ब्राइट लाइट इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट पिक्चर एंड बाय मीन्स ऑफ अ लेंस एन एनलार्ज पिक्चर इज थ्रोन और प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। किसी भी स्क्रीन पर जो कि दीवार पर भी लगाई हो सकती है या व्हाइट बोर्ड की सूरत में हम एक स्क्रीन यूज कर सकते हैं, उन पर जब कोई प्रोजेक्टर के अज्से पर रिफ्लेक्ट होकर कोई भी ट्रांसपेरेंट पिक्चर जो हम प्रोजेक्टर पर रखते हैं वो पिक्चर बड़ी स्क्रीन पर शो होती है और जिसकी वजह से हम जो कॉन्सेप्ट बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं वो आसानी सारी क्लास को दिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर्स आर एन इंक्लूसिव टूल इन द क्लासरूम enabling the teacher to draw on multiple sources during a lesson and to engage students in a more effective learning.
प्रोजेक्टर एक ऐसा टूल है जो टीचर को ये अथॉरिटी देता है कि वो स्टूडेंट्स की इफेक्टिव लर्निंग की तरफ अपनी जो स्टेप्स हैं उनको इफेक्टिवली आगे बढ़ा सकता है। अगर आप देखें कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उनको पहाड़ों में पाई जाने वाली मादनियात पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो आप उनके पहाड़ों के अंदर ले जाके उनको पहाड़ों में घुसा के नहीं दिखा सकते। आप इस तरह के कोई जो पिक्चर्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट फॉर्म पे ड्रा करके और आप उस ट्रांसपेरेंट शीट को आप प्रोजेक्टर पर रखते हैं और फिर वो रिफ्लेक्शन बड़ी स्क्रीन पर शो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ प्रोजेक्टर। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है प्रोजेक्टर। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप अपने की पॉइंट्स को शो करा सकते हैं, कोई तस्वीर आप बताना चाह रहे हैं तो वो दिखा सकते हैं आप वहां पर। कीप द स्क्रीन अबव द हेड ऑफ द पार्टिसिपेंट। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रेजेंटेशन के लिए जो स्क्रीन है जहां पर ये तस्वीर प्रोजेक्टर की शो होने वाली है उसको बच्चों के हेड से अबव, यानी जहां आप बच्चों का हेड लेवल है उससे अबव होना चाहिए ताकि वो बैठे हुए उसको थोड़ा अपवर्ड अपनी आईज करके देख सकें। कीप द स्क्रीन इन फुल व्यू ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तमाम बच्चों की नजर में आना चाहिए उस स्क्रीन का व्यू, इतना बड़ा रखें। मेक श्योर यू आर नॉट ब्लॉकिंग एनी वन व्यू व्हेन प्रेजेंटिंग। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप भी उसके आगे प्रोजेक्टर के लाइट और स्क्रीन के दरमियान ना आए ताकि कोई भी जो पार्ट है वो उस तस्वीर का जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसके आगे आपका अक्स ना आए और आप उसके अंदर रुकावट ना बने। डार्कन द रूम अप्रोप्रिएटली बाय ब्लॉकिंग आउट सनशाइन एंड डिमिंग नियर बाय। आपने कमरे को तकरीबन नीम अंधेरा कर लेना है तब जाके आपका प्रोजेक्टर अच्छे से आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो शो होगी बच्चों को। जहां से लाइटिंग की हल्की फुल्की उम्मीद है या जहां से आ रही है उन एरियाज को आप कवर कर दें जिस चीज से ताकि डार्क हो जाए रूम। टर्न द स्क्रीन ऑफ बिटवीन स्लाइड्स इफ यू आर गोइंग टू टॉक फॉर मोर देन टू। अगर आप एक से ज्यादा देर तक बात करना चाह रहे हैं तो आप एक स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए उस दौरान ऑफ कर दें ताकि आप दूसरा जब कोई टॉपिक अपना लगाएं तो फिर उसके हिसाब से ही आप दोबारा स्क्रीन को ऑन करें। टॉक टू द ऑडियंस नॉट द स्क्रीन। आपने पीछे मुड़कर स्क्रीन की तरफ नहीं देखते रहना बल्कि बीन टीचर आपका रुख आपकी क्लास की तरफ होगा और आपने उनसे बात करनी है। ये नहीं होगा कि आप क्लास की तरफ बैक करके और अपना तस्वीर को देखे जाएं और वहां से एक्सप्लेन करते जाएं, इस तरह से नहीं करना, स्क्रीन को नहीं देखना आपने। यूज ऑफ प्रोजेक्टर अभी जारी है, इसका पर्पजेस क्या है। टू डिवेलप कॉन्सेप्ट्स एंड सीक्वेंसेस इन अ सब्जेक्ट मैटर एरिया। किसी भी सब्जेक्ट मैटर का सीक्वेंस बरकरार रखने के लिए, उसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए और बच्चों के कॉन्सेप्ट डिवेलप करने के हवाले से प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना एक मकसद है उसका। टू मेक मार्जिनल नोट्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी फॉर द यूज ऑफ द टीचर दैट कैन कैरी विदाउट एक्सपोजिंग देम टू द क्लास। ऐसे पॉइंट्स जो वो क्लास को नहीं दिखाना चाहती वहां पर अपने सामने उनके नोट्स बनाकर ट्रांसपेरेंट पेपर पर रखे जा सकते हैं। टू टेस्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वाइल अदर क्लासमेट ऑब्जर्व्स। जब दूसरे बच्चे क्लास के दौरान ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो क्लास ऑब्जर्वेशन के हवाले से भी आप कुछ क्वेश्चंस लिखकर आप वहां पर शो करा सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि बच्चों की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए आप उनसे टेस्ट लेना चाहते हैं। टू शो रिलेशनशिप बाय मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट ओवरले इन कंट्रास्टिंग कलर। यहाँ पर कलर कंट्रास्ट के हवाले से अगर आप डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उस प्रोजेक्टर के थ्रू वो भी डिफरेंट कलर्स की जो चीजें दिखाना चाह रहे हैं वो भी दिखा सकते हैं ट्रांसपेरेंट ओवरले पर। टू गिव द इल्यूजन ऑफ मोशन इन द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्योंकि ये प्रोजेक्टर के अंदर एक ट्रांसपेरेंट जिस तरह शीट है वो इस्तेमाल होती है और उस पर आप कोई भी मोटिव्स दिखा सकते हैं, कोई भी वर्ड्स टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ दिखा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारे पास है मल्टीमीडिया। अकॉर्डिंग टू फिनरिच 1997 मल्टीमीडिया इज द एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर
that allows you to integrate video, animation, audio, graphics and text resources to develop effective presentation on an affordable desktop computer. मल्टीमीडिया ऐसा एक प्रोजेक्टर टाइप एक ऐसी चीज है जो जिसमें आप अपने कंप्यूटर को लिंक करते हैं और उसके सीपीयू को खाली लिंक करते हैं और वहां से आप कीबोर्ड के थ्रू अपनी जो स्क्रीन है बड़ी स्क्रीन जो जो, जो कि व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है या कोई शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप वहां पर आप एक बड़ी शक्ल में अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं और ये आपको मल्टीमीडिया ये सहूलत देता है और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जिसमें आप वीडियो एनिमेशन ऑडियो ग्राफिक्स और कोई भी टेस्ट रिसोर्सेज कोई फिल्म कोई तस्वीर कोई वीडियो कोई लिंक बराह रास्त इंटरनेट से या फिर अपने कंप्यूटर से या फिर अपने जैसे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इनको हर चीज को आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं एक अफोर्डेबल डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ. एडवांटेजेस ऑफ एवीएट जब हम देख लेते हैं इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कंसेप्चुअल. हमने बहुत अच्छी तरह सारे लेक्चर में ये अंदाजा कर लिया है कि हर एवीएट का इस्तेमाल जो लर्निंग प्रोसेस है उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाता है ज्यादा कंसेप्चुअल बनाता है बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और जो उनके ऐसे कॉन्सेप्ट जिनके जो खाली लेक्चर के थ्रू लर्निंग किए जा सकते हैं वो उस हम एवीएट्स के इस्तेमाल से और उनकी मदद से हासिल कर लेते हैं अपने अचीवमेंट्स अपने आउटकम्स. इट हेल्प्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स. ये बच्चों की अटेंशन को ग्रैब करने के हवाले से मदद देते हैं एवीएट्स बच्चों की अटेंशन को हम बच्चों की अटेंशन को अपनी तरफ मबजूल करवा लेते हैं. इट हेल्प्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टीचिंग स्टूडेंट्स. ये बच्चों को जब टीचिंग स्टूडेंट्स का जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें टीचर को भी मोटिवेट करते हैं और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं और उनका इंटरेस्ट बहाल करते हैं डिवेलप करते हैं. इट इन्हेंस द एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट्स. जब टीचर का जो एनर्जी लेवल है और स्टूडेंट्स का एनर्जी लेवल है उसको भी ये बढ़ाते हैं क्योंकि स्टूडेंट भी एक्साइटेड होते हैं कि इन चीज़ों के एवीएट्स की वजह से हम पता नहीं क्या सीखने वाले हैं क्या उनका इंटरेस्ट और एनर्जी लेवल हाई रहते हैं. इट इज इवन बेटर फॉर ओवर बर्डन क्लासरूम्स. ये हत्ता के बहुत ज्यादा तादाद वाले क्लासरूम के लिए भी बेहतर है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो ज्यादा भरे हुए हम क्लासरूम में नहीं करवा सकते लाइक हमने पीछे कुछ मेथड्स ऐसे टीचिंग के देखे थे जो हम लार्ज क्लासरूम में नहीं करवा सकते लेकिन एवीएट्स का इस्तेमाल हम लार्ज क्लासरूम में भी करवा सकते हैं. इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच एंड एक्सपीरियंस. बच्चों को लाइफ एक्सपीरियंस मिलते हैं जब वो इन चीज़ों के इस्तेमाल से कुछ नया सीखते हैं और वो रियलिटी बेस्ड लर्निंग होती है. बिल्ड इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन. बच्चों में मोटिवेशन पैदा करते हैं उनके इंटरेस्ट को बिल्ड करते हैं डिवेलप करते हैं इन्हेंस करते हैं. इन्हेंस द एनर्जी लेवल ऑफ द टीचिंग. ये भी हो चुका है. ईजी टू फ्लो. चीज़ों को इस्तेमाल करने में एवीएट्स को इस्तेमाल करने से आपका टीचिंग का फ्लो आपका इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने का फ्लो और आपका जो लेसन का फ्लो है वो ईजी हो जाता है बेहतर हो जाता है तेज हो जाता है. स्टूडेंट्स फेल मोर इंगेज. स्टूडेंट्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव परफॉर्म कर रहे होते हैं क्लास आपकी एक्टिव हो जाती है. ईजियर टू एक्सप्लेन और पुट थिंग्स इन परस्पेक्टिव्स. बहुत सारी चीज़ों की मदद से हम बहुत सारे नज़रियात बहुत सारे ख्यालात बहुत सारे आइडियाज़ को हम एवीएट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं आसानी से. ईजियर टू रिमेम्बर. और फिर जब ऐसे कोई प्रैक्टिस करवाई जाती है स्टूडेंट से तो वो उनको याद भी रहती है और अच्छी तरह से रिमेम्बर कर लेते हैं वो ऐसी चीज़ों को जब भी याद करें दोबारा. डिसएडवांटेजेस भी हैं थोड़े से वो भी देख लेते हैं. टेक्निकल प्रॉब्लम्स. कोई ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो लाइट और बिजली से रिलेटेड है तो समटाइम्स लाइट के चले जाने से प्रॉब्लम हो सकती हैं तो ये एक डिसएडवांटेज है. स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शन. बाज हर चीज़ों के अंदर बच्चे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो कॉन्टेंट जो उन तक पहुँच रहा होता है उनकी अटेंशन उस तरफ नहीं होती तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर टीचर प्रॉपर इस्तेमाल ना कर पाए एवीएट्स और अपने लेक्चर का.
एक्सपेंसिव भी होते हैं, कुछ चीजें बहुत महंगी पड़ती हैं, जैसे मल्टीमीडिया है काफी एक्सपेंसिव है और इसको हर स्कूल और क्लासरूम के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे चार्ट्स बनाने के हवाले से कहा हमने, या पोस्टर बनाने हैं या कोई और ग्राफ्स वगैरह ड्रा करने हैं तो वो काफ़ी टाइम लगता है टीचर का, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एविएट्स के हवाले से नीड स्पेस, उनको चीज़ों को रखने के लिए हमें जगह भी चाहिए होती है जो समटाइम्स के क्लासों में इतनी अवेलेबल नहीं होती है। कन्वीनियंस लेवल भी देखना पड़ता है जब टीचर का, कि वो उन चीज़ों को कैसे लेकर आए और स्टूडेंट्स को कैसे डिस्प्ले करे, क्लास में प्रॉपरली कैसे डिस्प्ले किया जाए, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी। और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल को। सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका अल्लाह हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।